और ये मैं खाके की दबंगा एक बार और एक युवक पकड़ में आया। 112 पुलिस कर्मचारियों ने जबरदस्त पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, दिखाएंगे आपको। औरैया में एक हाथी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। वायरल वीडियो में डायल 112 पुलिस कर्मियों की दबंगई देखने को मिली है। एक युवक की डायल 112 पुलिस कर्मी ने जबरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई के बाद युवक को जबरन पुलिस कर्मी डायल 112 की गाड़ी में डालते हुए देखे जा सकते हैं। तो वही युवक जबरन पुलिस की गाड़ी में डाले जाने का विरोध करता दिख रहा है। पुलिस कर्मियों के द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के खापुंद रोड स्थित जगदीश वाटिका के पास का बताया जा रहा है। यूपी के औरैया जनपद में एक बार फिर से खाकी की दबंगई आई सामने। जी हां, पूरा मामला है औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर देर रात डायल 112 के कर्मियों के द्वारा दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से डायल 112 कर्मियों के द्वारा एक युवक को पहले तो मारपीट की गई, इसके बाद उसको जबरन गाड़ी में डालने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा डायल 112 के उन सभी पुलिस कर्मियों को जो उस समय उस घटना में और वीडियो में दिखाई पड़ रहे थे, उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सीओ सिटी को नामित कर दिया गया है। किसी ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो वही वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने डायल 112 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक ने औरैया सीओ सिटी महेंद्र प्रताप सिंह को डायल 112 पुलिस कर्मियों की जांच सौंपी है। सीओ सिटी महेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि पीआरपी 5362 के पुलिस कर्मियों ने फरीदपुर गांव से वापस आते समय तीन युवक नशे की हालत में आपस में झगड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस की गाड़ी को आते देखकर दो युवक भाग गए और एक युवक पकड़ में आया, जिसे पीआरपी पुलिस कर्मियों ने बलपूर्वक अपनी गाड़ी में जाने का प्रयास किया। युवक द्वारा विरोध करने पर धक्का मुक्की और मारपीट की। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के आदेश पर पुलिस कर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर किया गया है। औरैया कोतवाली थाना अंतर्गत पीआरपी 5362 जो इवेंट पर ग्राम फरीदपुर गई हुई थी, इवेंट के बाद वापस आ रहे थे कि फफूद रोड पर तीन व्यक्ति नशे का सेवन कर आपस में झगड़ रहे थे। तब पुलिस की गाड़ी देख करके, जिसमें से दो व्यक्ति मौके से भाग गए, एक व्यक्ति वहाँ मौजूद मिला, जिसको पीआरपी कर्मियों के द्वारा बलपूर्वक अपने गाड़ी में लादने का प्रयास किया जा रहा था। उसके द्वारा विरोध करने पर इनके द्वारा मारपीट एवं धक्का मुक्की की कार्रवाई की गई, जिसे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर के पीआरपी कर्मियों को तत्कालिक प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। सभी तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है, निष्पक्षता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी औरैया जिले के दिव्यापुर रोड पर मौजूद एक पेट्रोल पंप पर शराब के जाम छलका रहे ऑन ड्यूटी डायल 112 में काम करने वाले पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में तीन पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए शराब पीते हुए नजर आ रहे होते हैं। वीडियो में डायल 112 में तैनात सिपाही पहले शराब के ठेके पर नजर आता है, इसके बाद वो कुछ नाश्ता खरीदता है और फिर गाड़ी में बैठ जाता है। सिपाही गाड़ी को पार्क करके एक टीन शेड के नीचे जाकर अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा होता है। किसी ने पुलिस कर्मियों के शराब पीने का चोरी छिपे वीडियो बना लिया, जो कि बाद में वायरल हो गया। तो वहीं महोबा में मंदिर जा रही किशोरी से सिपाही ने छेड़छाड़ की। नशे की हालत में सिपाही ने सरयान किशोरी को रोककर और मोबाइल नंबर देकर फोन करने का दबाव बनाया। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी चंद्रिका मंदिर के पास का है। पीड़िता के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही की इस हरकत से पीड़िता के परिजनों में आक्रोश है। तो वहीं आरोपी सिपाही ने अपना नाम गौतम बनाया है और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। अभी तुम आप बताओ ड्रेस हो ऑन ड्यूटी हो खुदा ही जो है आप दांत पीछे वीडियो करो तो ये क्या है नहीं एक बात है ये कोई बात है आपकी मैंने जो भाई मारते हैं मारे आपका कर लीजिएगा जो करना हो भाई यार मेरी छोटी बात सुन लो अरे छोटी बात तो भाई कौन सी बात सुनो छोटी भाई हाथरस
ड्रेस में निकर और बनियान पहने पुलिस चौकी का कामकाज निपटाते एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य पुलिसकर्मी भी बिना वर्दी के दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र की अक्सोली पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की बताई जा रही है। हैरानी की बात ये है कि वायरल वीडियो में निकर और बनियान पहने पुलिसकर्मी के पास बैठकर काम करते अन्य पुलिसकर्मी भी बिना वर्दी के दिख रहे हैं। हाथरस में बिना वर्दी के सिर्फ निकर बनियान पहने दरोगा की वायरल वीडियो सामने आने के बाद ये साफ जाहिर है कि पुलिसकर्मियों को एडीजी के आदेश और पुलिस महकमे की छवि धूमिल होने से कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर पुलिस विभाग का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही आरोपित पुलिसकर्मियों की तरफ से कोई सफाई सामने आई। लेकिन वायरल हो रहे वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस चौकी में कार्यरत चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों के आदेश का माखौल किस तरह उड़ा रही है। तुम्हें बता दें कि सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पीरियड के दौरान पुलिस की वर्दी पहनना अनिवार्य है। टीम न्यूज न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।